दोस्तों आज का जो मैच खेला जाएगा वह दिल्ली वर्सेज आपको किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मैच खेला जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर से आपको प्रिडिक्शन देने वाला हूँ कि पिच रिपोर्ट कैसा रहने वाला है और यहाँ पर से बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है। और मैं यहाँ पर से आज की इस वीडियो में आपको ड्रीम इलेवन का जो प्लेइंग इलेवन टीम होता है वह परफेक्ट प्लेइंग इलेवन टीम सेलेक्ट करके दे दूंगा और यह जो टाटा आईपीएल का मैच नंबर हो जाएगा 32वां मैच। दोस्तों आप एक ड्रीम इलेवन के यूजर है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर से आपको पूरा प्रिडिक्शन देने वाला हूँ कि बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है, और साथ में मैं ये बताऊंगा कि कौन खिलाड़ी आज की मैच में चल सकता है, और साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पर से बहुत सारा लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई मैं ड्रीम इलेवन से बहुत ज़्यादा पैसा अभी तक के हार चुका हूँ, और बहुत सारा लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई मैं यहाँ पर से सैलरी भी हार चुका हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा देखना, मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ, कोई मैं गॉड नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं, लेकिन मैं एक अनुमान से आपको यहाँ पर से टीम बना करके दूंगा जो आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आज का मैच जो होने जा रहा है वह किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली के बीच होने जा रहा है। तो यहाँ पर से आप जब ड्रीम इलेवन खेलते हो तो आपको प्रिडिक्शन देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है कि भाई ये जो पिच रिपोर्ट कैसा रहता है, यहाँ पर बॉलिंग पिच काम करता है या बैटिंग पिच अच्छा खासा चलता है, तो ये सभी देख लेते हो तब आपको यहाँ पर से ड्रीम इलेवन में उसी प्रकार से यदि बॉलिंग पिच रहता है तो आप वहाँ पर से अधिकतर बॉलिंग को सेलेक्ट करके आप अपने ड्रीम इलेवन में जो प्लेइंग इलेवन टीम को सेलेक्ट कर सकते हो। यदि यहाँ पर से बैटिंग पिच रहता है तो यहाँ पर से मैं उसी हिसाब से आपको ड्रीम इलेवन में जो प्लेइंग इलेवन टीम सेलेक्ट करके दे दूंगा, और साथ में आपको अच्छा खासा कैप्टन और वाइस कैप्टन बना करके दे दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा बारीकी से बताता हूँ कि आप ड्रीम इलेवन में किस खिलाड़ी को सेलेक्ट कर सकते हो, कितना आप बॉलर ले सकते हो आज की मैच में, कितना आपको यहाँ पर से विकेट कीपर लेना, कितना बैट्समैन लेना, कितना आपको ऑलराउंडर्स लेना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे, अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर ले जाऊंगा और साथ में आपको पिच रिपोर्ट बताऊंगा और आपको यहाँ पर से जो वह प्लेइंग इलेवन टीम आसानी तरीके से सेलेक्ट करके दे दूंगा। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जो फाइनल टीम देता हूँ वह अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर टीम मिलता है। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना है। जब आप ज्वाइन होने के लिए सबसे पहले यहाँ पर समझ लो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करोगे और ऊपर में ही आपको लिंक मिल जाएगा फ्री टीम, और उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाते हो तो उस पर जो आपको टीम मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यानी आपको 7-10 में टीम देखने को मिल जाएगा। तो भाई जाए जल्द से ना आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो, और साथ में मैं इंस्टाग्राम के स्टोरी में भी टीम लगा देता हूँ। तो जो भाई चाहते हो इंस्टाग्राम के स्टोरी में भी टीम देखना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी वहाँ पर से दे दिया हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा बारीकी से बताता हूँ कि आप ड्रीम इलेवन में सही प्रकार से प्लेइंग इलेवन टीम सेलेक्ट करके आप यहाँ पर से आज की इस वीडियो को देख लेते हो तो अच्छा खासा पैसा विन कर सकते हो। फाइनली दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ पर से अपना मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आप यहाँ पर से पूरा बारीकी पूर्वक देखना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर से आपको पिच रिपोर्ट दे देता हूँ कि पिच रिपोर्ट बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है, और यहाँ पर से आपको दिखा देता हूँ पिच रिपोर्ट कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपना फैन कोड एप्लीकेशन ओपन कर दिया हूँ, सबसे पहले मैं आपको पिच रिपोर्ट बता दूंगा, उसके बाद अपना ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन खोल करके आपको यहाँ पर से जो प्लेइंग इलेवन टीम है वह सेलेक्ट करके दे दूंगा। तो चलिए यहाँ पर से जो आज का मैच आपको दिखाई देता है वो ऊपर में दिल्ली कैपिटल्स वर्सेज यहाँ पर से किंग्स इलेवन पंजाब का बीच होने वाला, और यह जो मुकाबला नंबर हो जाएगा यानी 32वां मुकाबला नंबर हो जाएगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर से नीचे चले आता हूँ, नीचे आने के बाद स्टेडियम का नाम यहाँ पर से सबसे पहले जान जाते हैं। तो दोस्तों यह जो स्टेडियम का नाम है यहाँ पर से आप देख सकते हो वेबर्न स्टेडियम यानी मुंबई इंडिया। तो दोस्तों यह जो मैच खेला जाएगा आपको यहाँ पर से वेबर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। और दोस्तों पिच रिपोर्ट की हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर से फंटास्टिक पर चले आता हूँ, फंटास्टिक पर आने के बाद यहाँ पर से देख सकते हो पिच रिपोर्ट जो आपको दिखाई देता होगा, यानी यहाँ पर से जो यह पिच रिपोर्ट है बैटिंग पिच आपको नजर आता होगा। और दोस्तों बैटिंग पिच के साथ साथ यहाँ पर से देख सकते हो, और वह भी बैटिंग पिच में एवरेज स्कोर जो लगता है आप देख सकते हो 192 से लेकर के यहाँ पर जो एवरेज स्कोर रहता है, मैं आपको बता देता हूँ इस पिच पर, मैं यानी आप देख सकते हो बैटिंग पिच आपको तो दिखाई देता होगा और एवरेज स्कोर जो रहता है मतलब कम से कम 192 लगता है एवरेज स्कोर, और अधिकतम बात कर सकते हो यहाँ पर से आपको 210 220 230 के करीबन में यहाँ पर से चांस रहता है जो इस पिच पर रन लग सकता है। तो दोस्तों मैं उसी हिसाब से अपना ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन खोल करके आपको यहाँ पर से जो ऑल प्लेइंग इलेवन टीम है वह सेलेक्ट करके दे दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर से देख सकते हो इस पिच का जो यहाँ पर से लिविस्टन के द्वारा जो मतलब इस पिच पर जो मैच खेले आप देख सकते हो, दो मैच में इनका जो रन है कितना रन है, स्ट्राइक रेट देख सकते हो, वही डेविड वार्नर का देख सकते हो यहाँ पर से आपको दिखाई देता हुआ, रन पर मैच यहाँ पर से आपको दिखाई देता हुआ, और साथ में स्ट्राइक रेट देख सकते हो,
यह स्टेडियम का। और दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर से देख सकते हो और आपको दिखाई देता होगा पृथ्वी शॉ, और यहाँ पर से देख सकते हो शिखर धवन, उसके बाद यहाँ पर से आपको पटन नज़र आते होंगे, उसके बाद यहाँ पर से आप देख सकते हो जय शर्मा है। तो मैं इसी हिसाब से अपना ड्रीम इलेवन अप्लीकेशन खोल करके और यहाँ पर से मैं अपना ड्रीम इलेवन में प्लेइंग इलेवन टीम जो हुआ सेलेक्ट करूँगा, और साथ में यहाँ पर से आपको कोई परेशानी ही नहीं होगा यदि आप ये वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच कर लेते हो। तो दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो कुलदीप यादव यहाँ पर आपको नज़र आता होगा, तो दो मैच में इनका देख सकते हो पर विकेट और इकोनॉमी देख सकते हो, वही खलील अहमद का देख सकते हो सिर्फ यह स्टेडियम में, मतलब यहाँ पर से विकेट कितना लेते हैं और साथ में कितना यानी इकोनॉमी रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर से सभी प्रकार को मैं यहाँ पर से आपको प्रिडिक्शन दूंगा और आप देख सकते हो आपको यहाँ पर से दिखाई देता हुआ जो यहाँ पर से एवरेज स्कोर रहता हुआ आपको 192 दिखाई देता हुआ, और यहाँ पर से देख सकते हो इनिंग स्कोर जैसे मैंने आपको बताया 199 से लेकर के यहाँ पर से 210-215 देखने को इस पिच पर मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसी हिसाब से आपको सबसे पहले और एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर से देख सकते हो यहाँ पर से बैटिंग कंपेरिजन की बात करते हैं यानी दिल्ली कैपिटल्स और साथ में किंग्स इलेवन पंजाब का, तो दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो विनिंग का जो चांस रहता है दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ पर से आपको दिखाई देता होगा आप देख सकते हो 40% रहता है, वही किंग्स इलेवन पंजाब की बात करें तो यहाँ पर से देख सकते हो आपको जो हुआ 56% नजर आता होगा। तो मैं इसी हिसाब से अपना ड्रीम इलेवन अप्लीकेशन खोल करके आपको जो प्लेइंग इलेवन टीम जो हुआ सेलेक्ट करके दे दूंगा, उसके बाद स्क्वाड पर चले आते हो और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आज की मैच में किन को खेलने का चांस रहेगा। देख सकते हो आपको जो दोनों तरफ के यहाँ पर से प्लेइंग इलेवन टीम नजर आता हुआ दिल्ली कैपिटल्स और साथ में यहाँ पर से आपको किंग्स इलेवन पंजाब। तो दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो आपको पृथ्वी शॉ, उसके बाद आप देख सकते हो पवेल है जो खिलाड़ी खेलता है, मैं उसके बारे में यहाँ पर से चर्चा करूँगा आपको यहाँ पर से दिखाई देता हुआ, अक्षर पटेल हो गए, ललित यादव हो गए, उसके बाद मार्स है, ऋषभ पंत है, और आप नीचे में आगुत है, डेविड वार्नर है और आपको यहाँ पर से नरखिया नज़र आते होंगे जो खिलाड़ी खेलता है, मैं सिर्फ उसी के बारे में बता रहा हूँ। और दोस्तों आपको यहाँ पर से खलील अहमद, उसके बाद आपको यहाँ पर से कुलदीप यादव नज़र आता होगा, वही यहाँ पर से किंग्स इलेवन पंजाब की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हो किंग्स इलेवन पंजाब में आपको मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, उसके बाद यहाँ पर से आपको बता देता हूँ लिविस्टन ओ स्मिथ आपको नज़र आते हैं, उसके बाद यहाँ पर से आप नीचे आओ तो यहाँ पर से देख सकते हो एस खान है, जॉनी बेस्टो है। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपना आप ड्रीम इलेवन अप्लीकेशन खोल करके आपको जो है वह प्लेइंग इलेवन टीम सेलेक्ट करके दे देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ पर से अपना ड्रीम इलेवन अप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ और जो देख सकते हो यहाँ पर से मैं थोड़ा नीचे चले जाता हूँ, नीचे आने के बाद आप देख सकते हो यह जो मुकाबला स्टार्ट होने में अभी टाइम आपको दिखाई देता हुआ। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली मैं क्या करता हूँ क्रिएट टीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपना क्रिएट टीम के ऑप्शन पर क्लिक कर लिया हूँ, क्रिएट टीम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो विकेट कीपर में आपको नजर आता हुआ ऋषभ पंत, जॉनी बेस्टो, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर से जय शर्मा, और यहाँ पर से आपको टीम सेफर्ट नजर आते होंगे, उसके बाद आपको पी सिंह। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पर से वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको नो क्रेडिट प्रॉब्लम यानी आपको यहाँ पर से क्रेडिट प्रॉब्लम नहीं होने देंगे और यहाँ पर से आप आसानी तरीके से जो हुआ प्लेइंग इलेवन टीम को अपने ड्रीम इलेवन में सेलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको जो वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच करना है। तो दोस्तों यहाँ पर से विकेट कीपर मैं बता देता हूँ आज की मैच में, सबसे पहले यदि दिल्ली बैटिंग करता है तो आप यहाँ पर से ऋषभ पंत को रख सकते हो सबसे पहले यानी फर्स्ट इनिंग में। दोस्तों यहाँ पर से आप प्रिडिक्शन को पूरा देखना क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यह प्रिडिक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले यदि डीसी बैटिंग करता है तो आप यहाँ पर से रख सकते हो ऋषभ पंत को, अन्यथा आप चाहते हो तो ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूँगा भाई आपके लिए ऋषभ पंत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज की मैच में जो ये रन मारेंगे आपको 30+ देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर से जॉनी बेस्टो की बात कर देते हो तो जॉनी बेस्टो जो यानी यहाँ पर से बैटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे, हो सकता है तो ये 3 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं कभी कभी, या नहीं तो कभी कभी ये ओपनिंग भी करने आते हैं, और ओपनिंग जो करने आते हैं यहां पर से आपको जय शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं यहां पर से फिलहाल जय शर्मा को ले लेता हूं, जॉनी बेस्टो का अभी उतना भाई फॉर्म अच्छा खासा नहीं है न, तो चलिए यहां पर से यदि आप चाहते हो जय शर्मा को ड्रॉप करना तो ड्रॉप भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहां पर से चाहते हो रखना तो आप जय शर्मा को रख भी सकते हो। तो चलिए मैं थोड़ा आज की मैच में रिक्स लूँगा, यहाँ पर से मैं अपना जॉनी बेस्टो को रख लेता हूँ। जॉनी बेस्टो की रन की बात कर लेते हैं, यदि दोस्तों ये 3रे नंबर पर बैटिंग करने चले आते हैं तो मैं यहाँ पर से आपको बता देता हूँ, लेकिन आज की मैच में मुझे लग रहा है यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा जो चांस है हुआ जॉनी बेस्टो यानी किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर से मैं जॉनी बेस्टो को रख लेते, यदि ओपनिंग करता है जॉनी बेस्टो तो मैं बता देता हूँ आपको 40+ इनके बल्ले से देखने को मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ।
उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बैटिंग सेक्शन पर चले जाता हूँ। और दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया, मैं जो फाइनल टीम देता हूँ यानी फाइनल टीम अपना टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, जाओ भाई जल्दी से ना टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाते हो तो आपको बिल्कुल फ्री में टीम देखने को मिलेगा। मैं वहाँ पर से आपको एक रुपया भी चार्ज नहीं करूँगा और फ्री टीम आप अपने टेलीग्राम हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाते हो तो आप पा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर से मैंने जॉनी बेस्टो को ले लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर से बैट्समैन पर चले जाता हूँ। बैट्समैन पर जाने के बाद आप देख सकते हो डेविड वार्नर, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल यहाँ पर से नज़र आते होंगे। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर से राजापक्सा, एम सिंह और आप नीचे आओगे तो और आपको बहुत सारा खिलाड़ी, एस खान है, शाहरुख खान यानी हो गए, पॉवेल है। उसके बाद आपको यहाँ पर से एस खान फिर नज़र आते होंगे और यहाँ पर से जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर से जो खिलाड़ी खेल रहा है मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा, अन्यथा मैं अगले खिलाड़ी के बारे में नहीं चर्चा करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर से बैटिंग पिच होने के नाते मैं यहाँ पर से जो कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर से बैटिंग काफ़ी अच्छा खासा चलता और इस पर जो एवरेज स्कोर रहता आप देख ही लियो, कम से कम 192 रहता, अधिकतम बात कर सकते हो यानी बैटिंग इनिंग की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह जो पीछे 199 देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर से जो रन लगता है वो आपको अप्रॉक्स में 205 के करीबन यहाँ पर रन लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर से बैट्समैन में आ जाते हैं, तो बैट्समैन आप देख सकते हो आपके लिए डेविड वार्नर, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पिछले मैच में इन्होंने करीबन 60 रन दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मारे थे, तो यहाँ पर से आपके लिए डेविड वार्नर हो गया। उसके बाद यहाँ पर से आप शिखर धवन को भी बिल्कुल मत ड्रॉप करना। तो दोस्तों ये दोनों के बीच यहाँ पर थोड़ा प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये दोनों के बीच जो आज की मैच में साझेदारी होगा मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर से किंग्स इलेवन पंजाब मुझे बुला गया था, क्योंकि यहाँ पर से ओपनिंग करने जो आते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पृथ्वी शॉ और साथ में आपको नजर आएंगे डेविड वार्नर। तो दोस्तों ये दोनों के बीच की साझेदारी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर से पृथ्वी शॉ और साथ में डेविड वार्नर यदि सबसे पहले बैटिंग करता है तो आज की मैच में जो साझेदारी होगा वह 50 रन आपको प्लस देखने को मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर से मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, वही शिखर धवन के साथ ओपनिंग करने कौन आएंगे, तो दोस्तों आज की मैच में हो सकता है मयंक अग्रवाल खेल भी सकते हैं, नहीं तो भाई पिछले मैच में किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से मयंक अग्रवाल यहाँ पर से नहीं खेले थे, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, यदि खेलते तो आपको जो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे शिखर धवन और साथ में मयंक अग्रवाल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अगर नहीं तो यहाँ पर से मयंक अग्रवाल नहीं खेलते हैं तो यहाँ पर से आपको हो सकता है कि ओपनिंग करते हुए जॉनी बेस्टो के साथ में आपको शिखर धवन नजर आ सकते हैं या आपको जय शर्मा के साथ यहाँ पर ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर से मैंने मयंक अग्रवाल को ले लिया, क्योंकि यहाँ पर से बैटिंग पिच है, उसी हिसाब से मैं जो वह प्लेइंग इलेवन टीम मैं बैटिंग सेक्शन से कोशिश करूँगा चार या पाँच बल्लेबाज को उठाने को। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं डेविड वार्नर आज की मैच में कितना रन मार सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर से आपको 30 से लेकर 35 रन डेविड वार्नर के बल्ले से आपको प्लस देखने को मिलेगा, बल्ले से इनके रन निकलेगा। और दोस्तों वही शिखर धवन की बात कर लेते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से, तो दोस्तों इनके बल्ले से जो आपको रन देखने को मिल सकता है वह 35 रन प्लस ही रहेगा, मैं गारंटी देता हूं 35 रन नहीं टूटेगा। और दोस्तों यहां पर से पृथ्वी शॉ की बात कर लेते हैं, तो पृथ्वी शॉ में मुझे लग रहा है आज की मैच में आपको ज़्यादा नहीं 20 से 25 या 30 रन के अंदर ही पृथ्वी शॉ को यहाँ पर से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन भाई मैं यहाँ पर से चल जाता पृथ्वी शॉ तो पावर प्ले में अच्छा खासा रन मार लेते, तो यहाँ पर रखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पर से मयंक अग्रवाल की बात कर लेते, तो मयंक अग्रवाल यदि आज की मैच में खेलते हैं तो दोस्तों इनको मैं आज की मैच में मैं इनको कैप्टन भी बनाऊंगा, तो आगे की वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर से मैंने जो इस प्रकार से सेलेक्ट कर लिया, यदि आप चाहते हो पॉवेल के रखना तो रख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके लिए पॉवेल अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दिल्ली के तरफ से छठे या पाँचवें नंबर पर पॉवेल जो आपको बैटिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। और दोस्तों वही शाहरुख खान की बात करते हैं यानी एस खान आपको नज़र आते होंगे, तो यह भी किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से पाँचवें से लेकर के छठे नंबर पर यहाँ पर बैटिंग करने के लिए आते हैं, तो मैं इनको भी ड्रॉप कर रहा हूँ। साथ में मैं यहाँ पर से ऑलराउंडर्स पर जाता हूँ, ऑलराउंडर्स में आप देख सकते हो, क्योंकि भाई ऑलराउंडर्स भी लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, आपको नजर आते होंगे लिविस्टन हो गए, उसके बाद अक्षर पटेल, उसके बाद आपको यहाँ पर से स्मिथ और आप नीचे जागो तो देख सकते हो ललित यादव हो गए, उसके बाद आप यहाँ पर से देख सकते हो आर वाह यहाँ पर से आपको नज़र आते होंगे, और आप देख सकते हो यहाँ पर से जो खिलाड़ी खेलता है मैं सिर्फ उनके बारे में चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर से जो मेरा आज का ऑलराउंडर्स रहेगा एक लिविस्टन रहेगा और साथ में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर से ओ स्मिथ रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर से लिविस्टन की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको मालूम होगा लिविस्टन जो पूरा 4 ओवर यहाँ पर से जो वह अपने बॉलिंग सेक्शन से करते हैं, और साथ में बैटिंग की बात करते हैं तो दोस्तों आपको चौथे नंबर पर जो वह किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से आपको बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। दोस्तों चौथे नंबर पर आपको बैटिंग करते हुए किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से नज़र आएगा, तो यहाँ पर से आपके लिए लिविस्टन
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों सभी लोग यहाँ पर से लिविस्टन को रखते हैं। और दोस्तों वही ओ एस स्मिथ की बात कर लेते हैं, तो ओ एस स्मिथ जो उतना अच्छा खासा बैटिंग नहीं करते हैं, लेकिन भाई ये जो डेथ ओवर का बॉलर है, सबसे पहले तो ये 16 से लेकर के 20 ओवर के बीच में ये जो अपना स्पेल डालते हैं, यानी दो ओवर यानी आपको प्लस डालते हुए नजर आएगा। और दोस्तों इन्हीं 16 से 20 ओवर के बीच में इनको जो विकेट मिलता हुआ, दो विकेट फिक्स रहता है यहाँ पर, तो ओ एस स्मिथ को मिल जाता है, तो ओ एस स्मिथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर से बॉलिंग सेक्शन पर चले जाता हूँ। बॉलिंग सेक्शन पर जाने के बाद आप देख सकते हो, आपको नज़र आते हुए यहाँ पर से देख सकते हो, यहाँ पर से कुलदीप यादव है, राहुल चहर हो गया। उसके बाद आप नीचे आ गए तो यहाँ पर से मैं जो खिलाड़ी यहाँ पर से खलील अहमद हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, मुस्तफिजुर रहमान आपको नज़र आते होंगे। उसके बाद आपको कंगेश्वर रबाडा, अर्शदीप सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर से हम बता देते हैं कि आपके लिए कौन खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर से राहुल चहर को लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मैं गारंटी देता हूँ। सबसे पहले एक बात ध्यान से सुन लो दोस्तों, यदि यहाँ पर से चाहते हो कुलदीप यादव को रखना तो रख सकते हो, लेकिन बस कुछ शर्त मैं आपको बता देता हूँ। यदि दिल्ली सबसे पहले बैटिंग करता है तब आप कुलदीप यादव को रख सकते हो, और उसके जगह पर आप यहाँ पर से राहुल चहर को ड्रॉप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर से मान लो सबसे पहले किंग्स इलेवन पंजाब बैटिंग करता है, तो आपके लिए राहुल चहर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैंने यहाँ पर से राहुल चहर को रख लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, खलील अहमद को मैं यहाँ पर से रख लिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो आपको कुछ क्रेडिट प्रॉब्लम नज़र आता हुआ, तो भाई क्रेडिट प्रॉब्लम मैं आपको नो होने दूंगा, मैंने आपको पहले बताया हूँ। तो थोड़ा ऑलराउंडर्स में तो मुझे कोई नहीं यहाँ पर से लगता है हटाने वाला था, और भाई यहाँ पर से देख सकते हो, तो मैं विकेट कीपर में आ जाता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से जॉनी बेस्टो को ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद मैं जो फाइनल टीम देता हूँ, मैंने आपको जैसे बताया था फाइनल टीम जो देता हूँ वो अपना टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको ज्वाइन हो जाते तो 7-10 में फाइनल टीम देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो जाओ जल्द से ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर से सबसे पहले देख सकते हो शार्दुल ठाकुर नजर आते होंगे, तो यहाँ पर से आपको कोई नो क्रेडिट प्रॉब्लम, और मैं यहाँ पर से आपको जो हुआ प्लेइंग 11 टीम को सेलेक्ट करके दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर से आपके लिए रबाडा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले बॉलिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन में आपको बता देता हूँ, राहुल चहर जो यहाँ पर से बॉलिंग करते हुए आपको नजर आएंगे किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से, 7वें ओवर में ये बॉलिंग करते हुए यानी पावर प्ले के बाद बॉलिंग करते हुए आपको लगातार में जो यहाँ पर से लेकर के मतलब 7वें से लेकर के आपको 15 ओवर या 16 ओवर के बीच तक आपको पूरा ये बॉलिंग स्पेल अपना डालते हुए राहुल चहर नजर आएंगे। तो भाई मैंने इनको रख लिया। उसके बाद शार्दुल ठाकुर, तो भाई शार्दुल ठाकुर को बैटिंग का जो मौका दिया जाता है 7वें या 6वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बैटिंग करने आ जाते हैं, और साथ में ये जो बॉलिंग करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, 9 ओवर से लेकर के ये 20 ओवर के बीच में अपना पूरा स्पेल डालते हैं। और दोस्तों भाई कंगेश्वर रबाडा की बात कर लेते, तो कंगेश्वर रबाडा जो सबसे पहले बॉलिंग करने आएंगे किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से, आपको 1 से लेकर के 6 ओवर तक के बीच यहाँ पर से यानी पावर प्ले के अंदर यहाँ पर से ये बॉलिंग करते हैं। तो दोस्तों मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान के जगह पर आप चाहते हो यहाँ पर से अर्शदीप को रखना तो रख सकते हो, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा खलील अहमद, क्योंकि भाई खलील अहमद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पर जाता हूँ। कंटिन्यू के ऑप्शन पर दोस्तों यहाँ पर बारी आती है अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की। भाई यहाँ पर से आपके ड्रीम इलेवन में जो प्लेइंग इलेवन टीम रहता और साथ में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता कि भाई आप कैप्टन किसको बना सकते हो, वीसी किसको बना सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यही दो आप यहाँ पर से समझ जाते हो तो यहाँ पर से आप ड्रीम इलेवन में जो अच्छा खासा पैसा जीत सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, यह ट्रिक आप पूरा ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि ड्रीम इलेवन में इस सीज़न में सेम इसी प्रकार से अप्लाई हुआ है। तो दोस्तों ट्रिक ये है, सबसे पहले मान लो यहाँ पर से डीसी बैटिंग करता है, तो डीसी की तरफ से आप चाहते हो यहाँ पर से सी बनाना तो पृथ्वी शॉ को बना सकते हो, अन्यथा आप वीसी जो बनाओगे वह किसको बनाओगे। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा मैं आपके एक्सपीरियंस यहाँ पर से दे रहा हूँ जो ड्रीम इलेवन में है। उसके बाद मैं यहाँ पर से इसमें जो प्लेइंग इलेवन में आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी सेलेक्ट करके दे दूंगा। तो मान लो दोस्तों यहाँ पर से जो वो सबसे पहले बैटिंग करता है दिल्ली करा, तो मैंने जो कैप्टन बना दिया वह पृथ्वी शॉ को बना दिया हूँ, और वीसी जो आपको बनाना है वह किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से बनाना है, और कोई भी T20 का लीग खेलते हो तो आप ये ट्रिक जरूर अप्लाई करना। और दोस्तों जो एक नंबर रैंक आता तो आप देख सकते हो उनका जो कैप्टन और वाइस कैप्टन यानी सबसे पहले जो बैटिंग करता है यानी फर्स्ट इनिंग में जो बैटिंग करता उसी की तरफ से आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन होना काफ़ी। तो दोस्तों आपको कैप्टन और वीसी बनाना है सेम इसी प्रकार से मैंने जैसे आपको बताया हूँ। तो आज का मैच में मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैप्टन किसको बना सकते हो और वीसी किसको बना सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मान लो यदि यहाँ पर मैच में सबसे पहले किंग्स इलेवन पंजाब बैटिंग करता है, तो मेरा जो कैप्टन रहेगा क्योंकि बैटिंग पीछे मैं यहाँ पर से मयंक अग्रवाल को बनाऊंगा। तो दोस्तों आप मयंक अग्रवाल को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर से दोस्तों यदि खेलते तब आप इसे बना सकते हो, अन्यथा ये नहीं खेलते तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैप्टन किसको बना सकते हो,
किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर से जो कैप्टन बनाओगे वो लिविस्टन को बना सकते हो, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भाई मैंने यहाँ पर से मान लो अभी का मैच में सबसे पहले मैं मयंक अग्रवाल को बना देता हूँ, उसके बाद वीसी की बारी आती है। तो भाई मैं जो वीसी बनाऊंगा बैटिंग पिच, और बैटिंग पिच में मैं यहाँ पर से डेविड वार्नर को बनाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर से टीम दिखा देता हूँ कि मेरा जो टीम है वो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर से क्रेडिट प्रॉब्लम के कारण मैंने जो विकेट कीपर एक ही लिया हूँ, और फाइनल टीम जैसा कि मैंने आपको बताया फाइनल टीम जो दूंगा वह अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, तो आप लोग घबराना मत। तो दोस्तों विकेट कीपर आपको एक दिखाई देता होगा। उसके बाद बैटिंग सेक्शन से बात करते हैं तो आप देख सकते हो डेविड वार्नर मेरा वीसी है, पृथ्वी शॉ, उसके बाद शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, वही ऑलराउंडर्स में लिविस्टन नजर आते होंगे। उसके बाद आपको स्मिथ, यदि बॉलिंग की बात करते हैं तो दोस्तों बॉलिंग में देख सकते हो खलील अहमद हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, राहुल चर हो गए, उसके बाद कैंगिसो रबादा हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको जो वो प्लेइंग इलेवन टीम है वो सेलेक्ट करके दे दिया हूँ, और जो मैं फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। तो जो लोग मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भाई ज्वाइन नहीं हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जल्द से ना ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री में 7-10 में टीम देखने को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।